फिल्म आत्मिचोली का एक स्पेशल सॉन्ग आज रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? सबसे पहले कुछ बताइए और गाने के बारे में बताइए हमें। फिल्म लगभग हमने पूरी शूटिंग कर ली है और एडिटिंग में जा चुकी है। एक प्रमोशनल गाना हमने सोचा था उसमें डाला जाए हमारे निर्माता और निर्देशक ने, तो उसी की रिकॉर्डिंग है और उसके बाद बहुत जल्द उसकी शूटिंग करके वीडियो हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि पसंद आए। अभी तक चल ही रही है, देखते हैं ऑडियंस के साथ क्या होगा। असल आँख में चली तो उनके साथ। कैसा अनुभव रहा है शूटिंग के दौरान? जैसा डायरेक्टर सर ने बताया कि टेम्परेचर काफी कभी ज्यादा था कभी कम था, शूटिंग के दौरान काफी दिक्कतें भी आई। कई दिक्कतें। आकाश यादव का टेम्परेचर कितना था उधर? तो डायरेक्टर माइनस में था। आकाश सिंह यादव हमेशा गर्मा गर्म रहते हैं तो इसमें टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं थी। और जहाँ तक लोकेशन का सवाल है, वाकई नेपाल बहुत कठिन है, जटिल है बहुत काम करना। वहाँ पहाड़ी इलाका है, बाकी चीज़ें संसाधन इतनी आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब की इच्छा थी तो वो पूर्ण करना हमारा कर्तव्य है। जो हो सका हमने किया, अब वीडियो देख कर लोग समझेंगे उसको कि कहाँ तक हम सफल हुए। फिल्म में नई हीरोइन आपके साथ लॉन्च हुई है, जितना सपोर्ट किया आपने? उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मैं ये कहना चाहूँगा। मैंने कहाँ तक सपोर्ट किया इसकी जानकारी तो वही दे पाएंगे, लेकिन हाँ समझ में आया कि उनमें ऊर्जा है, अभिनय करने की शक्ति है, सीखने की चाहत है। और उसके अलावा आप जब काम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये पहली फिल्म नहीं होगी। त्रिशा में तो ऊर्जा नहीं है? त्रिशा जी, ऐसा तो मैंने कब कहा नहीं। ये गलत आपके साथ दो ही उन्हें बैठे हुए हैं तो ऊर्जा समझ सकते हैं आप। और कैसे गाने हैं आपकी फिल्म के अंदर? गाने बहुत मधुर हैं, मेलोडियस हैं, और ये नाचने का गाना यही है जिसमें बहुत अवसर मिला है हमें कुछ कर दिखाने का। बाकी गानों में भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन रोमांटिक है, सॉफ्ट है, सूफियाना है, मूड का गाना है, तो ये एक गाना है जो धमाल वाला गाना है। तो हम कोशिश करेंगे कि वो सबसे भव्य तरीके से बने और लोगों तो पसंद आए। इन्होंने बहुत खूबसूरत है कि फिल्म को सजाया है, सामने भी एक गाना देखा आपका और दूसरी का, क्या कहेंगे इसके ऊपर? तो मतलब हमारी मेहनत कारगर हुई साबित, जब उस ठंड में -6 था और ठंडा पानी है नहाने के लिए और सब कुछ है, तो अंत में जब ये सराहना मिलता है लोगों से तो वही हमारा पुरस्कार है और क्या। आपने क्या कुछ तैयारी किया था नेपाल की छुट्टी ठंडी में? तो कोई तैयारी ऐसी खास नहीं की गई थी, हम तैयारी के बगैर गए थे इसलिए से फंस गए, ना गर्म कपड़े थे ना कंबल लेके गए, कुछ नहीं हुआ। तो खैर गाना बन गया और अच्छा बना, हमारे निर्माता निर्देशक खुश हैं, जनता भी खुश हो जाए, बस यही कोशिश। रूपश्री जी, ये बगैर तैयारी गए थे, आप तैयार थे पहले? जी नहीं, ऐसा नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि वहाँ पे इतना ठंड पड़ रही है। तो उस टाइम तो कुछ ऐसा आप दोनों के बीच कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ सीन बताएं जरा शूटिंग के दरमियान का? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लड़ाई नहीं करते थे? नहीं। त्रिशा आप कुछ बोल फलोगी दोनों का? एक्चुअली जब मेरा शूटिंग कंप्लीट हो गया मैं वहाँ से तुरंत भाग गई ठंडी में, तो लड़ाई झगड़ा मैंने नहीं देखा है। ठंड में किसी के पास शक्ति नहीं है कुछ करने। हम फिल्म अच्छी तरह बना के लौट आए, जिंदा लौट आए, बस यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा। अकाजी फिल्म होली में रिलीज हो रही है, क्या कुछ आपके लिए खास होगा? खास उसमें यही बात है कि होली का एक गाना हमने खास रखा है होली के रिलीज को मद्देनजर रखते हुए, और हमको उम्मीद है कि वो गाना भी उतना ही बढ़ चढ़ के लोगों को पसंद आएगा जितना कि जिसमें हम सब हैं उस गाने में। तो देखते हैं दर्शकों की क्या राय है। और आपके साथ दो आर्टिस्ट में कौन कौन है तो बता? मेरे साथ एक और अभिनेत्री हैं अंजलि बैनर्जी जी बोल के, मनोज द्विवेदी जी हैं, और उसके अलावा माया यादव जी हैं, संजय वर्मा जी हैं, बालेश्वर जी हैं। तो जितने भी सह कलाकार हैं वो बहुत ही उम्दा हैं और हमें उम्मीद है कि उनके साथ से ये फिल्म और अच्छी बेहतर बन के निकलेगी। आपने एक कैरेक्टर बारे में हमें दसों बताएंगे, फिल्म का कैरेक्टर क्या है? इसका खासियत यही है, डायरेक्टर ने मुझसे कहा था कि कैरेक्टर लेस है, तो कैरेक्टर की कमी है। आप ये मत पूछिए मुझसे कि कैरेक्टर क्या है उसका। अभी मीडिया के सामने जो कैरेक्टर लेस लग रहा है। लग नहीं रहा हूँ मैं, इस किरदार को निभा रहा हूँ। तो वो कैरेक्टर लेस जो है डायरेक्टर ने जो कहा उसको मैंने पकड़ के चला और उसी चीज को किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए ऐसा थीम बना कर रखा है? थीम कपड़ों से पता चल रहा है कि कैरेक्टर लेस हूँ? कैसे जाना आपने? खैर तो हाँ, कैरेक्टर के बारे में इतना ही कहूँगा कि
मतलब क्या कहते हैं कि इसमें कॉमेडी पूरा मिलने वाला है इस बार सबका सिर्फ हीरो नहीं कर रहा है जितने भी कलाकार हैं सह कलाकार हों हमारी हीरोइनें हों विलेन भी हों तो भी एक ऐसे रूप में नजर आएंगे जो मुझे उम्मीद है कि भोजपुरी में कमी होता है। फिल्म में गाने आपके ऊपर कितने होंगे? तकरीबन 5 या 6 गाने हैं जो हमारे ऊपर फिल्माए गए हैं हमारे ऊपर यानी कि क्योंकि एक कॉमेडी फिल्म है तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अकेले गा रहा हूँ हमारे सारे अभिनेता जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़े हैं हर गाने में। आपके आने से पहले आपकी तारीफ त्रिशा जी ने किया था पापा जी, को लेकर के। जी, जी जी आप कितना पापा को फॉलो करते हैं? ट्विटर पे या फेसबुक पे? दोनों पे। तो मैं उनमें फॉलो नहीं करता उनको। हाँ बाकी शैली की बात अगर आप करें तो प्रयास जारी है इस जन्म में तो नहीं अगले जन्म में कहीं पहुँच जाऊँगा मुझे उम्मीद है। कुछ खास बातें बोलना चाहेंगे अपने पापा के बारे में? खास बातें तो दुनिया बोलती है हम सिर्फ चुपचाप बैठ के सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि कभी ना कभी उसका 10 पैसा हम हो जाए और क्या 10 पैसा वही काफ़ी है। रूपश्री जी कुछ कहना चाहेंगे आकाश जी की बुराई या तारीफ सुनना चाहेंगे? बुराई नहीं, करिए काफ़ी अच्छे हैं। पक्का? जी हाँ। देखा? जी और कुछ? और त्रिशा जी से पूछिए कि अच्छे हैं कि नहीं। त्रिशा जी चलिए आप ही बता दीजिए। क्या बताऊँ यही बता रहा है कि कितने अच्छे। ये बताऊंगी कि थोड़ा डिफरेंट पर्सनैलिटी है इनका जैसे कि थोड़ा सा भोजपुरी जो एक्टर्स है मैं वो लोग भी अच्छे हैं इनका थोड़ा डिफरेंट है। इनका हिंदी काफ़ी शुद्ध है और ये इनका इनमें वो डिसेंट पन दिखता है एंड कहीं ना कहीं अच्छे पर्सनैलिटी है अच्छे इंसान है दिल के अच्छे हैं और घुल मिल के सबसे काम करना इनको बहुत अच्छे से आता है। पॉलिटिक्स तो अभिनय और अभिनय पॉलिटिक्स से दोनों एक ही चीज़ है। वहाँ वो पॉलिटिशियन अभिनय करके लोगों का दिल जीतते हैं और हमें अभिनेता बनने के लिए पॉलिटिक्स करना पड़ता है। तो कहानी वही है लेकिन उससे जितना बच के चलूँ उतना अच्छा है। सीधे सीधे राह पे चलता हूँ जो काम दिया जाता है उसको करता हूँ अच्छा है खराब है जनता फैसला करती है। उस सेलेक्टेड फिल्मों में आप नजर आते हैं क्या कारण होता है? उसका कारण ये है कि एक तो फिल्में ऐसी भोजपुरी में फिलहाल कम होना शुरू हो गई हैं क्योंकि डिजिटल माध्यम बहुत बड़ा हो गया और उसमें ऐसी फिल्म करना जिसमें बाप दादा का नाम ख़राब नहीं हो वो मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और कभी कभी मैं ऐसी फिल्मों के तलाश में निकलता हूँ तो मिल जाती हैं कभी कभी कुछ झोली में गिर जाती हैं जैसे आँख में चोली है तो कोशिश करते रहेंगे कि कुछ अच्छा ही दें कम दें भूखे रहेंगे कोई बात नहीं लेकिन अच्छा देंगे। इसके बाद और कोई फिल्म है जो अभी बनके रेडी है? एक है साथ निभाए सजनवा हमारा उसका एक गाना बाकी है वो भी हो जाएगा एडिटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और हमसे ना टकरा ऑन फ्लोर जा रही है फरवरी के आसपास तो ये फिल्में हैं जो इस साल मेरे ख्याल से प्रदर्शित भी हो जाएंगी। थैंक यू सर धन्यवाद।